हम सभी फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या होती है और फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, एंड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड क्या होता है, एक दिन में कितनी मील्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है क्लास 1 EBS का चैप्टर 5 द फूड वी ईट। कैरेट, पीस एंड ब्रोकली वेजिटेबल्स आर गुड फॉर मी फॉर माई स्नैक एंड इन माई लंच, वेजी सैलड इज ग्रेट टू मंच। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं दिन में, वेजिटेबल्स, जिससे हम क्या रहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज कलर द गिवन वेजिटेबल्स। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स गिवन है जिन्हें आपको कलर करना है। इसमें क्या क्या है, इसमें है कैबेज है, इसमें गार्लिक है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटो, टर्निप, ये सारी चीज़ें आपको कलर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन सी हाउ अ लिटिल बेबी हैज़ ग्रोन इन टू एन अडल्ट। आप देखते हैं कि आप छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले छोटे बच्चे होते हैं जो कि चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, फिर वो बैठना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है, फिर वो पूरी मील खाना शुरू करता है और वो धीरे धीरे एक अडल्ट बन जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें एक बेबी ग्रो करता है। हिज फूड हैबिट हैज़ ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन एज टू अनदर एज। तो एक एज से दूसरी एज में उसकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड ऑफ आवर ग्रोथ एंड स्टेइंग हेल्दी। तो फूड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड वो होती है जिसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और जो हमारी ग्रोथ यानी कि हमें बड़े होने में हेल्प करती है और हमें हेल्दी रहने में, जिससे हम किसी बीमारी से परेशान नहीं होते हैं, हमें बीमारियाँ नहीं लगती हैं, इस चीज़ के लिए हमें कौन हेल्प करता है, फूड हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वी नीड फूड। हमें फूड की रिक्वायरमेंट, वी नीड फूड। फूड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, फूड की रिक्वायरमेंट हमें होती है टू ग्रो, ताकि हम बड़े हो सके, टू बी हेल्दी एंड फिट, ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, बीमारियों से बचे रहें, टू गेट एनर्जी फ्रॉम वर्क एंड प्ले, ताकि हमें काम करने की और खेलने की एनर्जी मिलती रहे, टू कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेस, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमें जो ये फूड है कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। तो फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हम प्लांट से पाते हैं, दीज आर ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसिस, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, कॉफ़ी पल्सेस, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्लांट से मिलती है। ग्रेन्स क्या होते हैं, जैसे चावल और दाल आप खाते हो और आटा खाते हो, मतलब मीन्स रोटी खाते हैं, तो वो गेहूं से बनती है। फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना, वेजिटेबल्स खाते हैं, स्पाइसेस खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें प्लांट से मिलती हैं। टेस्ट योर नॉलेज, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी थ्री फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब जो हमें प्लांट से मिलता है ऐसे फूड आइटम हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एंड सेकंड वन इज व्हाई डू वी नीड फूड, गिव वन रीज़न। तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है, एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। तो हमें कुछ एनिमल मिल्क देते हैं, जैसे कि काऊ है, गाय है, भैंस है और बकरी है, इनसे हमें दूध मिलता है। वी मेक मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क लाइक कर्ड, घी, आइसक्रीम, बटर, चीज़, स्वीट्स एसेट्रा। तो कुछ चीज़ें हमें इनसे हम मिल्क से बनाते हैं, जैसे कि कर्ड, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, आइसक्रीम बनती है, तो ये सारी चीज़ें मिल्क से बनती हैं। We also get the following things from animals. हमें animals से milk के अलावा ये सारी चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि eggs है, honey है, fish है and meat है, और ये सारे milk product, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, animals से मिलती है।
ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स क्या होती है कि कैसे हम खाते हैं, ठीक है, वो ईटिंग हैबिट्स होती है। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। दे डू नॉट ईट एग्स, मीट, चिकन, फिश एक्सेट्रा, वो बच्चे एग, मीट और चिकन, फिश ये सब नहीं खाते हैं। पीपल हु ईट एग्स, फिश, मीट, चिकन अलॉन्ग विद वेजिटेरियन फूड्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स तो खाते ही हैं, लाइक प्लांट वाली जैसे कि ग्रेन्स और वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब खाते हैं, उसके साथ ही एग्स भी खाते हैं, फिश, मीट, ये सारी चीज़ें भी खाते हैं। इसके बाद है टेस्ट योर नॉलेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मींस आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो आपको बताना है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है। नेम योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है, इट कैन बी वेजिटेरियन ऑल्सो एंड इट कैन बी नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। इज योर फेवरेट फूड अ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, तो आपको बताना है कि जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है वो क्या है, प्लांट बेस्ड है या फिर एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर टीचर, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू यू। नेक्स्ट इज मील इन अ डे, हम कौन कौन सी मील दिन में खाते हैं, तो वी ईट 3 meals इन अ डे। फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट एट 9 AM, 9 बजे हम सुबह क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड एट 2 PM वी डू लंच, ठीक है, दोपहर में 2 बजे जो हम करते हैं उसे कहते हैं लंच। एंड रात में 9 बजे जो हम करते हैं वो होता है डिनर। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी ईट पॉरिज, सैंडविच, पराठा एक्सेट्रा इन द ब्रेकफास्ट। तो हम सुबह जो करते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, इसमें हम दलिया और सैंडविच, पराठा ये सारी चीज़ें खाते हैं। एंड लंच, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, वी ईट चपाती, वेजिटेबल पल्सेस, कर्ड, चिकन, फिश एक्सेट्रा इन द लंच। और ये सारी चीज़ें हम क्या, चपाती, वेजिटेबल पल्सेस, चिकन, ये सारी चीज़ें हम लंच में खाते हैं। वी ईट डिनर इन द नाइट, वी ईट चपाती, पल्सेस, सैलड, वेजिटेबल, राइस एक्सेट्रा इन द डिनर। तो रात में जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिनर कहते हैं। तो डिनर में ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। Now, what is healthy meal? We should eat a variety of things in our every meal. हमें अपनी हर खाने में कुछ variety रखनी चाहिए। We must eat a bit of cereals, fruits, vegetables, pulses, curd, rice, salad, meat, eggs, juice every day. तो हमें अपने खाने में ये सारी चीज़ें include करनी चाहिए, जैसे कि दाल है, fruit है, फल, सब्जियाँ और दही, rice, salad, मीट, एग्स, जूस, ये सारी चीज़ें हमें अपने खाने में कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी चाहिए। अ मील विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड अ हेल्दी मील, एक ऐसी मील जिसमें सारी चीज़ें राइट अमाउंट में होती है उसको हेल्दी मील कहते हैं। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोज़ 8 से 10 glass पानी भी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड ईजिली एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो ये हमें क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होती हैं, डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड्स, हमें अनहाइजेनिक यानी कि गंदा खाना जो गलियों में मिलता है, रोड साइड मिलता है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ईट मील्स एट फिक्स टाइम, खाना हमें टाइम टाइम से खाना चाहिए, ठीक है, जिस टाइम हम ब्रेकफास्ट करते हैं रोज़ हमें उसी टाइम करना चाहिए, लंच जिस टाइम करते हैं उसी टाइम करना चाहिए, तो हमारा एक फिक्स टाइम होना चाहिए हर मील का। डू नॉट ईट डर्टी एंड स्टेल फूड, हमें बासी और गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, रखा हुआ खाना देर तक नहीं खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, जो ऐसा खाना जो ढका ना हो वो हमें नहीं खाना चाहिए। इट हैज डर्ट एंड जर्म्स एज फ्लाइज एंड मॉस्किटोज सिट ऑन देम, उस पर क्या होते हैं, उस पर जर्म्स होते हैं क्योंकि उस पर मॉस्किटोज एंड जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो बैठती हैं। फॉलो ऑल द गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट, और हमें सारी गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, इससे हम क्या होंगे, हेल्दी एंड फिट होंगे। च्यू योर फूड वेल, खाने को हमें अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए।
Now here our chapter complete. Chapter complete हो गया. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम यहाँ से recall करेंगे. Food is a basic need of our life. Food हमारी life का basic need है. Food keep us healthy and give us energy to work and play. Food से हमें energy मिलती है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें. We get food from plants and animals. हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है. वी ईट 3 मील्स इन अ डे. हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. वी मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स. हमें अच्छी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस. वी ईट दिस मील इन द नाइट. नाइट में हम कौन सी मील लेते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर सपर. तो हम डिनर लेते हैं. हमको क्या करना है? ऑप्शन सी पे टिक करना है. सेकेंड वन इज इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट. ये प्लांट प्रोडक्ट है कौन सा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या ऑल ऑफ दीज. ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स सारे क्या हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. थर्ड इज वी शुड नॉट ईट जंक फूड. हमें जंक फूड पे टिक लगाना है. हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. बाकी सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए और एग्स भी खाने चाहिए. नेक्स्ट इज फोर्थ. वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेज ऑफ डैश एवरी डे वाटर. हमें रोज 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए. फाइव वी शुड ड्रिंक ओनली डैश वाटर. कैसा पानी हमें पीना चाहिए? क्लीन एंड प्योर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज पुट अ टिक ऑन द फूड वी शुड ईट एंड अ क्रॉस ऑन द फूड वी शुड नॉट ईट. तो ये क्या है? ये है फ्रूट्स. हमें इसको खाना चाहिए, यस, तो हम इसको टिक कर देंगे. ये क्या है? ये सारी जंक फूड हैं लाइक फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक. ये हमें नहीं खाने चाहिए, जंक फूड होता है, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे. ये बटर और चीज़ है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसको हमें खाना चाहिए, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे. इधर है, ये भी फ्राइज़ हैं और तो ये भी हमें नहीं खाने चाहिए, हमें इसको क्रॉस कर देना चाहिए. डीप फ्राइड चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट इज नेम एनी टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ दिए गए हैं वर्ड्स, हमें इनके लिए हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं. फूड वी ईट इन ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में हम कौन कौन सा फूड खाते हैं? हम ब्रेकफास्ट में पॉरिज या फिर सैंडविच खा सकते हैं. सेकेंड वन इज जंक फूड. जंक फूड क्या क्या होता है? बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज. नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या होगा? एग एंड चिकन. फोर्थ क्या होगा? फूड वी ईट इन डिनर. रात में हम क्या क्या कर सकते हैं? चपाती एंड राइस. नेक्स्ट इज फोर्थ. राइट पी फॉर द फूड आइटम वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ऐसे फूड आइटम जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसके सामने में पी लिखना है. एंड ए फॉर द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. और ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं उसके सामने हमें ए लिखना है. सो ये क्या है? ये है वाटरमेलन जो कि हमें प्लांट से मिलता है, तो हमें यहाँ पे पी लिखना है. नेक्स्ट इज ये है बेरीज. ये भी हमें प्लांट से मिलती है, तो हमें ये पी यहाँ पर पी लिखना है. ये क्या है? हनी है. हनी हमें एनिमल से मिलता है क्योंकि ये बीज से मिलता है, और इसको हम किसके सामने क्या लिखेंगे? ए. नेक्स्ट इज मिल्क. मिल्क क्या होता है? हमें एनिमल से मिलता है, तो यहाँ भी हमें ए लिखना है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको सामने कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको चूज करके इसमें लिखना है. सो फर्स्ट वन इज घी, बटर, चीज आर डैश प्रोडक्ट्स. कैसे प्रोडक्ट हैं? ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. सेकंड, वी मस्ट ईट ग्रीन डैश एंड फ्रूट्स डेली. हमें क्या खाना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो सेकंड में आएगा वेजिटेबल. थर्ड वन, वी शुड नॉट ईट फूड एक्सपोज टू डैश एंड डैश. हमें जो फूड है कहाँ पे एक्सपोज हुआ नहीं खाना चाहिए. हमें ये डस्ट एंड फ्लाइज से एक्सपोज हुआ फूड नहीं खाना चाहिए. फोर्थ, वी मस्ट ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. फिफ्थ वन इज मिल्क इज अ डैश प्रोडक्ट. मिल्क इज अ कम्प्लीट प्रोडक्ट है, फूड है, ठीक है, एक कम्प्लीट फूड इसको कहा जाता है. Why should we not eat too many sweets and chocolates? हमें बहुत सारे sweets and chocolates क्यों नहीं खाने चाहिए? Answer is we should not eat too many sweets and chocolates because they spoil our teeth and also they hurt our immunity. तो इससे हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं और हमारी immunity भी खराब हो जाती है.
नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. यहाँ पे क्या करना है, पपेट शो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पपेट शो कराना है. ठीक है, सो ये तो आपको क्लास में ही करना होगा. नेक्स्ट इज वैल्यूज द बिल्डिंग ब्लॉक्स. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग केसेस, आप इन केसेस में क्या करोगे. फर्स्ट है यू फाइंड अ हंगरी बैगर चाइल्ड आउटसाइड योर हाउस. आप अपने घर के बाहर एक हंगरी बैगर बच्चे को देखते हो जो आपसे खाना मांग रहा है. ठीक है, उसको भूख लगी है. यू विल गिव हिम सम फूड एंड वाटर, या फिर यू विल टेल हिम टू गो अवे एंड डू नॉट डिस्टर्ब यू. आप क्या करोगे, उसको खाना दोगे, फूड दोगे एंड वाटर दोगे. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलर द स्लोगन. अब यहाँ पे जो स्लोगन गिवन है इसको आपको कलर करना है. सो हियर द चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस बोथ आर कंप्लीटेड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.